पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में रोज दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पाठ करके ही खाना खाएं, आपके घर में बरकत बढ़ेगी, झगड़े मिटने लगेंगे, बीमारियां दूर होने लगेगी, लक्ष्मी आएगी घर पे। पुरुषोत्तम मास पूरा भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के ही खाना खाएं, समझो लक्ष्मी माता को आप आमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे घर पधारो, और लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। पूरा पुरुषोत्तम मास, क्योंकि गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय माना जाता है, इसलिए उसका पाठ जरूर करना, जरूर करना, मौका चूकना नहीं है। इस पुरुषोत्तम मास में दीप दान की भी महिमा है। मंदिर में दीप जला कर रख दिया, देवी देवता की मूर्ति के आगे दीप रख दिया, गुरु की तस्वीर के आगे दिया जला के रख दिया, रोज सुबह शाम पूरा पुरुषोत्तम मास पीपल के नीचे दिया रख दिया, दीप दान की भी पुरुषोत्तम मास में खूब महिमा, तो उसका लाभ उठाएं। जप ज्यादा करें पुरुषोत्तम मास में।